नाउ हमारा अगला टॉपिक है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो थ्री फेज सिस्टम हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो थ्री फेज सिस्टम को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को जनरेट कर सके और दूर तक ट्रांसमिट कर सके। नाउ थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, हम लोग एक जनरेटर का यूज़ करते हैं जो तुम्हारा यहाँ पे थ्री फेज जनरेट कर रहा है। राइट, यहाँ पे थ्री फेज जनरेट कर रहा है, एक फेज है ए बी और तीसरा सी। इन तीनों फेज को देखो किस तरह से यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और इन तीनों ईएमएफ में कितना का डिफरेंस है, 120 डिग्री का डिफरेंस है। ओके, तो इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। तो उस तरह से ये तीनों कॉइल को हम लोग 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे प्लेस करते हैं। नाउ ये तीन जो फेज है वो हम फिर देते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, और ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है, उसको स्टेप अप करता है। नाउ ये देखो ये क्या है, ये है थ्री फेज जनरेटर, यहाँ पे तीन फेज है, एक दो तीन। अब ये जनरेटर का काम क्या है, ये जो पावर जनरेट कर रहा है इसको ट्रांसमिट करना कहाँ तक, लोड तक। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे लोड पे सप्लाई नहीं देगा, जैसे जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रहता है उसमें क्या करता है, वेरियस स्टेजेस तुमको मिलेंगे जहाँ पे तुमको वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना पड़ेगा, यानी कि तुमको वोल्टेज बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बीच में थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं जो तीनों फेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करें, मतलब ज़रूरत के अनुसार वो वोल्टेज को चेंज करें। नाउ थ्री फेज ट्रांसफार्मर को हम किस तरह से बना सकते हैं, देखो थ्री फेज ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए या तो हम तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं और उसको हम कनेक्ट कर देंगे, जैसे इसका सेकेंड वाला जो टर्मिनल है इसको हम एक साइड कनेक्ट करते हैं और इसको हम न्यूट्रल से जोड़ देते हैं, और बचा हुआ जो है जैसे रेड येलो और ब्लू, तो ये तीन जो फेज है उसको हम फेज से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये एक तरह का कनेक्शन हो गया। इस तरह के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं थ्री फेज बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो ये एक तरह का कनेक्शन हो गया। दूसरा कनेक्शन है कि हम लोग तीनों फेज को एक सिंगल स्ट्रक्चर में बनाते हैं। ओके, यहाँ पे तीनों फेज क्या है, एक ये फेज है, एक ये फेज है, एक ये फेज है, तो तीनों फेज को हम लोग एक सिंगल स्ट्रक्चर में बनाएंगे और यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हम आइसोलेट करके यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो इसको कनेक्ट करने का दो प्रोसेस है, पहला कोर टाइप और दूसरा शेल टाइप। ओके, तो कोर टाइप सिंगल ट्रांसफार्मर किस तरह से होता है, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे एक इस तरह का कोर रहेगा और ये एक प्राइमरी वाइंडिंग रहेगा, ये एक सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगा, और यहाँ पे ये एक शेल टाइप है। शेल टाइप में क्या होता है, बीच वाले कोर में जो है मिडिल ऑफ द कोर है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। तो पहले हम सपोज करो प्राइमरी वाइंडिंग प्लेस किए, फिर एक इंसुलेशन टेप देके इंसुलेशन पेपर प्रोवाइड करके फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग प्रोवाइड किए। ओके, तो ये शेल टाइप, इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं शेल टाइप। ओके, यहाँ पे जो वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं वो कोर के आउटर साइड प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसके लेग में प्रोवाइड करते हैं, और ये है उसके इनर साइड प्रोवाइड करते हैं, मतलब अंदर के साइड प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। ओके, और चारों तरफ क्या है, एक तरह का शेल बना हुआ है, इसलिए उसको हम शेल टाइप कहते हैं। नाउ थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी हम उसी तरीके से करेंगे। ये हो गया तुम्हारा थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और उसका ये पिक्चर डायग्राम हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्राइमरी वाइंडिंग भी प्लेस कर रहे हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग भी प्लेस कर रहे हैं हर लेग पे। ओके, ये आउटर साइड में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे शेल टाइप ट्रांसफार्मर में देखो बीच में ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, ये एक फेज का हो गया इनपुट, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया एक तीनों तीन फेज का, और ये ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग का तीन फेज। ओके, नाउ थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, देखो सबसे पहला एडवांटेज है कि ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है कंपेयर टू थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके, दूसरा ये लाइटर होगा और चीपर होगा, थर्ड ये ज़्यादा इफिशियंट होगा, दिस इज़ मोर इफिशियंट। ओके, फोर्थ इसमें स्विच गियर, बस बार, ओके बस बार स्ट्रक्चर हम लोग इंस्टॉल करते हैं इसमें, या कोई भी कनेक्शन होता है जैसे ट्रांसफार्मर में वो इसमें आसानी से हम इंस्टॉल कर लेते हैं रैदर दैन थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के। ओके, सो दीज इंस्टॉलेशन आर सिंपलर रैदर दैन थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। न
नाउ अभी हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे. ओके सपोज करो यहाँ जनरेशन हो रहा है थ्री फेज. ओके यहाँ से थ्री फेज मिला तुमको. अब यहाँ पे तुमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना है. ओके तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब देखो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक सिंगल वाइंडिंग होता था. ओके और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग होता था, एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग. तो यहाँ पे जो वोल्टेज देते थे उसको हम लोग कम करते थे, यहाँ पे स्टेप डाउन करते थे या स्टेप अप करते थे. सपोज करो स्टेप अप कर रहे हैं तो ये वोल्टेज अगर 40 वोल्ट तो ये होगा समथिंग 80 वोल्ट, मतलब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं. ओके तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है, तो उसके लिए हमको एक प्राइमरी साइड चाहिए, एक सेकेंडरी साइड चाहिए. तो इन तीनों को हम कनेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में तीन कॉइल होगा, एक दो तीन. ओके तो इसको हम तीन तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. देखो हर एक फेज़ को इससे मिला दो तो ये एक तरह का कनेक्शन हो गया, या हम इसको इस तरीके से भी मिला सकते थे. तीन कॉइल है तो हम इसको इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो रैदर देन दिस हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं. ओके तो प्राइमरी में या तो स्टार होगा या तो डेल्टा होगा. ओके नाउ देखते हैं इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे. ये तुम्हारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर है. ओके तो यहाँ पे देखो प्राइमरी साइड को हम किस तरह से कनेक्ट किए हैं, ये तुम्हारा वाई वाई कनेक्शन या इसको हम बोलेंगे स्टार स्टार कनेक्शन. ओके तो यहाँ पे तो तुम्हारा तीन फेज है, इनको हम क्या किए हैं, तीनों एक एक फेज से कनेक्ट किए हैं और जो बीच वाला टर्मिनल था उसको हम शॉर्ट करके ग्राउंड कर दिए हैं. वैसे ही हम सेकेंडरी में करें किए हैं. ओके तो ये क्या है तुम्हारा स्टार स्टार कनेक्शन. ओके सेकेंड यहाँ पे देखो एक हम इस तरह से कनेक्ट किए हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे भी सेकेंडरी में भी हम डेल्टा कनेक्ट किए. ओके तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा डेल्टा स्ट्रक्चर. और यहाँ पे देखो क्या है, ये प्राइमरी साइड में हम क्या कनेक्ट किए हैं डेल्टा, और यहाँ पे हम क्या कनेक्ट किए हैं स्टार. तो ये तुम्हारा कैसा हो गया डेल्टा स्टार कनेक्शन. ओके या एक और हो सकता है स्टार डेल्टा कनेक्शन, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, हम स्टार इधर कनेक्ट करेंगे और डेल्टा उधर कनेक्ट करेंगे, मतलब कि इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो एक और जो है वो यहाँ पे हम पिक्चर नहीं बनाए हैं, दैट इज़ स्टार डेल्टा कनेक्शन. ओके तो ये चार तरीका है, 1 2 3 एंड दिस इज़ 4. तो ये चार तरीका है जिससे हम ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब प्राइमरी साइड स्टार रहेगा तो सेकेंडरी साइड भी स्टार तुम दे सकते हो या डेल्टा दे सकते हो, मतलब तुम इस तरह से चेंज कर सकते हो इसको. सो बेसिकली देयर आर 4 पॉसिबल कनेक्शन फॉर थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक. ओके नाउ यहाँ पे तुमको एक और चीज़ ध्यान रखना है. सपोज करो तुम एक ऐसा सिस्टम बनाए हो जहाँ पे तुमको दो या तीन तुमको ट्रांसफार्मर यूज़ करना है. ओके सपोज करो तुमको दो ट्रांसफार्मर यूज़ करना है और दोनों को तुमको पैरेलल में कनेक्ट करना है. ठीक है तो सपोज करो ये एक तुम्हारा ट्रांसफार्मर हो गया और एक ये ट्रांसफार्मर हो गया. ओके तो देखो सेम ग्रुप का होगा तभी तुम उसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो. जैसे कि अगर तुम्हारा एक ट्रांसफार्मर है स्टार स्टार कनेक्शन. ओके तो तुम उसको या तो तुम स्टार स्टार के साथ कनेक्ट कर सकते हो या डेल्टा स्टार के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ओके मतलब कि पैरेलल में क्या होना चाहिए, या तो स्टार स्टार होगा या तो या तो डेल्टा डेल्टा होगा. ओके पैरेलल में या तो स्टार स्टार होगा या तो डेल्टा डेल्टा होगा. तुम स्टार स्टार अगर तुम्हारा एक ट्रांसफार्मर है स्टार स्टार तो तुम उसको स्टार और डेल्टा के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब ये कनेक्शन पैरेलल में नहीं हो पाएगा, ये गलत है. ओके मतलब कि सिर्फ सेम ग्रुप का ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्री फेज ट्रांसफार्मर. थैंक यू.